Hello friends, you are most welcome to my channel, The River Textbook. तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस. चैप्टर वन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी आँखों से, हम अपने कान से, अपने नाक से, हमारा आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग्स, ये सब हमारे सेंस ऑर्गेन्स हैं जिससे कि हम बाहरी दुनिया से हमारा नाता जुड़ता है, जिससे हम बाहर की चीज़ों को सेंस करते हैं, फील करते हैं. वैसे ही जानवरों के पास भी सेंसेस होते हैं जिससे कि वो बाहरी की दुनिया से अपना नाता जोड़ते हैं. तो इस चैप्टर का नाम सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस से मतलब है कि कुछ जानवरों के सेंसेस इतने हाई क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि हम जितना दूर देख सकते हैं वो हमसे चार गुना ज़्यादा देख सकते हैं. हमारी सुनने की जो क्षमता है, कुछ ऐसे जानवर हैं उनकी सुनने की क्षमता हमसे काफ़ी बारीक से बारीक आवाज़ों को सुन सकते हैं. इसलिए इस चैप्टर का नाम सुपर सेंसेस है. दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम शुरू करते हैं. हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप प्ले ग्राउंड में खा रहे थे और एक ईगल उड़ के आया और आपके हाथ से रोटी लेकर के वो चला गया? एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईगल का जो आई साइट है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है और वो काफ़ी दूर से छोटी से छोटी चीज़ को देख लेता है, काफ़ी दूर से अपने छोटे से छोटे शिकार को देख लेता है. इसलिए उसने आपके हाथ में छोटी सी रोटी देखी और आ करके लपक के लेके चला गया. एज ही वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस. आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से धीरे से भी अगर गुजरेंगे तो उसका कान तुरंत खड़ा हो जाएगा. यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. आपने जमीन पे कुछ मीठा चीज गिरा दिया और कुछ ही मिनटों में बहुत सारी चींटियों का झुंड जो है वहां इकट्ठा हो जाता है. Why does it happen? ऐसा क्यों हुआ? Think and tell. Animals also have different senses. जानवरों के पास भी अलग अलग senses होते हैं. जैसे हमारे पास senses है वैसे जानवरों के पास भी senses है. जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसे जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. जानवर भी देख सकते हैं, वे भी सुन सकते हैं, वे भी टेस्ट कर सकते हैं, वे भी सूंघ सकते हैं, वे भी महसूस कर सकते हैं. कुछ जानवर काफ़ी दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन फेंटेस्ट साउंड. कुछ जानवर बारीक से बारीक आवाज़ को भी सुन लेते हैं, हल्की से हल्की आवाज़ को भी वो सुन लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाई देयर स्मेल. कुछ जानवर अपने दोस्तों को उनके स्मेल से, उनके गंध से ढूंढ लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस. जानवरों की जो ये दुनिया है भरी पड़ी है इस तरह के उदाहरणों से. How did the ant recognize a friend? एक चींटी अपने दोस्त को कैसे पहचानती है? An ant was going along on the ground. एक चींटी जमीन पे वो चलते हुए जा रही थी. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding
द होल, रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन। अभी इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि चींटी अपने दोस्तों को कैसे पहचानती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक चींटी जो है ग्राउंड पे चलते हुए जा रही थी, उसने दूसरे तरफ से दूसरी चींटियों का झुंड को आते हुए देखा। तो अब जो पहली वाली चींटी जो चलते हुए जा रही थी वो वापस अपने होल की ओर आ गई। अब उधर वहाँ पे होल के पास एक गार्ड एंट था, उसने उस चींटी को रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और उसने उस चींटी को अंदर जाने दिया। टेल, अब बताइए, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब उस चींटी को कैसे पता चल गया कि जो दूसरी चींटियों का जो ग्रुप है वे उसके ग्रुप की चींटियां नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा कि चींटियों के पास और जानवरों के पास भी डिफरेंट सेंस ऑर्गेंस होते हैं, उनके पास भी देखने की, सुनने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, और अपने सेंस ऑर्गेंस की मदद से उस चींटी ने पहचान लिया कि वो जो दूसरी चींटियां जो दूसरे तरफ से आ रही हैं वो उसके ग्रुप की नहीं है। तो यू कैन राइट दिस, एंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब उसके बाद क्वेश्चन है, डिड वन एंट कम फर्स्ट, सॉरी ये वाला है ऊपर में, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट। अभी क्या है कि जो चींटी जो चलते हुए जा रही थी, जो वापस अपने होल की ओर आई, तो वहाँ पे गार्ड एंट थी, तो गार्ड एंट तो होल का रखवाली कर रही थी कि कोई बाहर की चींटी ना आ जाए, कोई दूसरा जानवर ना आ जाए। तो उसने उस चींटी को जो वापस आई उसको उसने रिकग्नाइज कर लिया, उसने उसे कैसे पहचान लिया, तो उसने उस चींटी को स्मेल से पहचान लिया। द गार्ड एंट कुड रिकग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। Try this and write। आप इसका प्रयोग कीजिए और लिखिए। क्या करना है, तो drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground, wait until the ants come there। आप क्या कीजिए कि कुछ चीनी के दाने या फिर कुछ गुड़ के दाने या फिर कोई भी मीठा चीज़ ज़मीन पे गिरा दीजिए और वहाँ पे इंतज़ार कीजिए चींटियों का आने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। अगर आप ऐसा करेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा चींटियों के आने का। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इट टुक अबाउट 50 टू 20 मिनट्स फॉर एंट्स टू कम। हालांकि इसका क्वेश्चन आंसर मैं अलग से डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी चैप्टर के दौरान भी आप ऑडियो को सुनते हुए, वीडियो को देखते हुए आप क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, सुन करके, तो आपका काफ़ी अच्छा लर्निंग रहेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। अगला क्वेश्चन है कि पहले एक चींटी आई या फिर चींटियों का झुंड एक साथ आया। तो आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले एक चींटी आती है, उसके बाद चींटियों का झुंड आता है। तो आप लिख सकते हैं, वन एंट कम फर्स्ट फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ एंट्स। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। चींटियां अब अपने खाने के साथ क्या करती हैं? तो चींटियां अपने खाने को अपने होल में लेके चली जाती हैं। द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, डू दे मूव इट इन, सॉरी वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर।
अब वे वहाँ से कहाँ जाती हैं? तो वहाँ से वे अपने होल की ओर चली जाती हैं। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। अब उसके बाद है डू दे मूव इन ए लाइन, तो इसका आंसर होगा येस, दे मूव इन ए लाइन। अब वे लाइन में क्यों मूव करती हैं ये इसका हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ ए पेंसिल। अब आप क्या कीजिए कि सावधानी पूर्वक सावधानी से आप चींटियों का रास्ता जो है ज़्यादा मतलब उनको डिस्टर्ब किए बिना धीरे से जो है उनका रास्ता जो है एक पेंसिल से ब्लॉक कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि चींटियाँ आगे फिर कैसे बढ़ती हैं। तो आप पाएंगे कि चींटियाँ बिना लाइन को तोड़े वो क्लाइंब कर जाती हैं पेंसिल पे और क्लाइंब करके वो लाइन को अपना मेंटेन रखती है और आगे बढ़ जाती हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं एंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल दे स्टिल मूव इन ए लाइन। मेनी इयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। ही फाउंड आउट दैट As the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरह के काफ़ी प्रयोग किए और उसने ये पाया कि जैसे जैसे चींटियाँ मूव करती हैं आगे बढ़ती हैं वो ज़मीन पे कुछ ऐसा गंध छोड़ते हुए जाती हैं जिनको दूसरी चींटियाँ फॉलो करते हुए जाती हैं। The other ants follow the smell to find the way. जो दूसरी चींटियाँ हैं वो उस स्मेल को पकड़ते हुए अपना रास्ता पकड़ते हुए चलती हैं। Now, can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? आपने रास्ता रोका तो चींटियों ने क्या किया, चींटियाँ जो है पेंसिल को क्लाइंब करके आगे बढ़ गई। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि चींटियाँ ऐसा क्यों की। चींटियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पेंसिल के नीचे से उसका स्मेल एक सीधे लाइन में जा रहा था। अब चींटियाँ जो है उस स्मेल को फॉलो कर रही हैं, उस स्मेल को फॉलो करते हुए वो पेंसिल को क्लाइंब करके आगे बढ़ गई। सम मेल एंट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ नर कीड़े जो होते हैं वो अपने मादा कीड़े को अपने फीमेल्स पार्टनर को वो उनके स्मेल से ढूंढ लेते हैं, उनके गंध से पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय द मॉस्किटोज। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। कभी आपको मच्छरों ने परेशान किया है? आप सोचिए कि वे कैसे आपको ढूंढ लेती हैं कि आप कहाँ हैं। तो मॉस्क्यूटोज जो है वो आपको आपके बॉडी के स्मेल से रिकग्नाइज कर लेती हैं, वो आपके बॉडी के हीट से आपको रिकग्नाइज कर लेती हैं, आपके पैर के तलवे के गंध से वो आपको रिकग्नाइज कर लेती हैं। मॉस्क्यूटोज कैन फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मच्छर आपके शरीर के गंध से आपको ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। मच्छर आपके पैर के तलवे की से आ रहे गंध से भी आपको पहचान ढूंढ लेते हैं और आपके बॉडी के हीट से भी वो आपके ढूंढ लेते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। ये रेशम का कीड़ा इसे कहते हैं, ये सिल्क वॉर्म है और ये काफ़ी किलोमीटर्स दूर से ये अपने
फीमेल पार्टनर को ये पहचान लेती है उसके गंध से, स्मेल से ढूंढ लेती है। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या कभी आपने कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? आपको क्या लगता है वो क्या सूंघते हैं? Dogs mark out their own area on the road. कुत्ते अपने मल मूत्र से अपना एरिया मार्क कर लेते हैं, जिस रोड पे, जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे अपने मल मूत्र से वे अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी इन ब्रैकेट लैट्रिन। कुत्ते मल मूत्र को सूंघ करके वो पता करते हैं कि कोई बाहर का कुत्ता उसके एरिए में आया था या नहीं, आया है या नहीं। अब इसके बाद है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। मनुष्य ये जो कुत्तों का जो ये विशेष उन्हें गुण मिला है, जो सेंस ऑफ स्मेल, जो उनकी जो सूंघने की जो शक्ति है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, तो उसका उपयोग मनुष्य कैसे उठाते हैं? तो उसका उपयोग मनुष्य अनेक रूप में उठाते हैं, जैसे चोर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, चोरी हुए सामान को ढूंढने में, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स। मनुष्य कुत्तों को घर में पालते भी हैं और कुत्ते, पालतू कुत्ते जो है उनको इस तरह से ट्रेंड किया जा सकता है कि वो एकदम परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. अगला question है कि आपको आपका sense of smell कब मदद करता है और कैसे मदद करता है? आप कुछ उदाहरण दीजिए, और यहाँ पे बताया है उदाहरण किस तरह का आप दीजिए। जैसे कि आप खाने के स्मेल से आप समझ जाते हैं कि खाना ख़राब हो गया है, आप स्मेल से समझ जाते हैं कि कुछ चीज़ जल रहा है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग टेस्टी फूड, परफ्यूम, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, स्वेटी क्लोथ्स, गैस लीक इन द किचन। तो ये सभी चीज़ों को हम अपने गंध से जान लेते हैं, है ना? स्वादिष्ट भोजन हो गया, परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती हो गया, फूलों का गंध हो गया, पसीने वाला कपड़े हो गए, हाँ, किचन से गैस लीक हो रहा है। तो उसके बाद है, नेम द एनिमल्स दैट यू would be able to recognize only by their smell without seeing them. कुछ ऐसे जानवर होते हैं, उनके ऐसे स्मेल होते हैं जिनको कि आप बिना देखे उनके स्मेल से आप जान लेंगे कि वो आपके आसपास हैं। तो इस तरह के कुछ जानवर हैं, जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, डॉग्स, कैट्स, बफेलो, काउ, फिश, एट्सेट्रा। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब पांच ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जिनका गंध आपको पसंद है, जिनका स्मेल आपको पसंद है, और पांच ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जिनका स्मेल आपको पसंद नहीं है।
तो पांच ऐसे एग्जाम्पल जिनका गंध आपको पसंद है, जैसे टेस्टी फूड हो गया, परफ्यूम हो गया, फ्लावर्स हो गया, इंसेंस स्टिक हो गया, इंसेंस स्टिक को हम अगरबत्ती कहते हैं, फ्रेश एयर, ताजी हवा, जैसे सुबह सुबह का जो हवा रहता है, या फिर कहीं हरियाली वाली क्षेत्र का जो हवा रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्मेल हमें पसंद नहीं है, वो है गार्बेज, डेड फिश, मरी हुई मछली, काउ डंग, गाय का गोबर, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, पेशाब का गंध, स्टेल हेयर, सड़ी हुई हवा, मतलब किसी कचड़े के ढेर के पास से कोई हवा आ रही है। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? तो हाँ, आप अपने दोस्तों से भी पूछेंगे तो लगभग सेम आंसर ही आएगा। डू एंड फाइंड आउट, कीजिए और पता लगाइए। फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू से हुम डू दे बिलोंग टू? आप अपने कपड़ों के गंध से क्या आप बता सकते हैं कि वो आपके परिवार के किस सदस्य का कपड़ा है? ट्राई टू रिकोगनाइज द स्मेल, ट्राई टू रिकोगनाइज द क्लोथ्स ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। अब इस तरह से, मतलब कपड़े के स्मेल से कपड़े को सूंघ करके आप बताइए, बता दो अपने दो फैमिली मेंबर्स का नाम बताइए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऐसे कि येस, आई कैन रिकोगनाइज द क्लोथ्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स बाय देयर स्मेल। हाँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को उनके कपड़ों के गंध से पहचान सकता हूँ। आई कुड रिकोगनाइज द क्लोथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर, और ऐसा करके मैं अपने माँ और पापा के कपड़े को पहचान लिया। वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर सिक्स मंथ ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। सुशीला ऑल्सो हैज ए बेबी ऑफ द सेम एज। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, शी कवर्ड हर नोज विथ अ दुपट्टा स्कार्फ। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? रजनी को एक जरूरी काम से बाहर जाना था। अब उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि 6 महीने का था, उसे अपनी बहन के पास छोड़ के जाना था। उसका नाम था सुशीला। सुशीला के पास भी एक छोट 6 महीने की बच्ची है। अब मजे की बात क्या है कि दोनों ने एक साथ पॉटी कर दिया, लेकिन क्या हुआ, उसने अपने बच्चे की तो गंदगी, अपने बच्चे की पॉटी को तो आराम से साफ कर लिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपने बहन का बच्चा जो 6 महीने का दीपक है, उसके पॉटी को, उसके नैपी को जब साफ कर रही थी, तो उसने अपने नाक पे स्कार्फ रख लिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अपने मन से नफरत करते हैं, अपने माइंड से अगर वो हमें पसंद नहीं है, तो हमें उसका स्मेल भी पसंद नहीं है। अगर हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, तो हमें उसका स्मेल भी हमें पसंद नहीं होता है। सो व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी, वी फाइंड इट्स अ स्मेल बैड। इन केस ऑफ सुशीला, शी थॉट दीपक्स नैपी टू बी डर्टी। सुशीला के केस में उसे दीपक का नैपी गंदा लगा, इसीलिए उसने अपने फेस को कवर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर
डॉटर वाई डू यू थिंक सी डिड दिस? मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, वेन वी फील समथिंग इज डर्टी, जब हमें फील होता है कि कुछ कुछ गंदा हमें फील होता है, वी फाइंड इट्स ए स्मेल बैड, तो हमें उस चीज का स्मेल भी बुरा लगता है। इन केस ऑफ सुशीला शी थॉट दीपक्स नैपी टू बी डर्टी, अब सुशीला के केस में उसने दीपक के नैपी को उसने गंदा समझा। सो शी हैड टू कवर हर नोज, इसलिए उसने उसका स्मेल भी उसको बुरा लगा और उसने अपना नाक बंद कर लिया। व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी, लेकिन जब वो अपनी बेटी की नैपी को साफ कर रही थी तो उसे वो गंदा नहीं लगा और उसे उसने उसे साफ कर दिया बिना अपने नाक को ढके। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज, आपको कैसा लगता है जब आप किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं? तो जाहिर सी बात है मुझे बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता है। आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। अब उसके बाद है थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्पेंड, थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अब उन बच्चों के बारे में सोचिए जो उस गार्बेज से उस कीड़े कूड़े के ढेर से चीज़ों को चुनते हैं, पूरा दिन वहाँ से चीज़ों को चुनते रहते हैं। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस स्मेल का के से वो बच्चे हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि बाद में वो स्मेल उनको बुरा नहीं लगता है। जब बुरा नहीं लगता है तो उनका माइंड जो है उसके स्मेल के लिए वो ऑफेंड नहीं करता है। इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, पर्टिकुलर स्मेल के बारे में वो क्या सोचता है। लेकिन कुछ ऐसे स्मेल होते हैं जो कि हमेशा ज़्यादातर लोगों के लिए वो ख़राब होते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल, बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेट्स सी, चलिए देखें, राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस, इन ब्रैकेट में लिखा है लाइक इन ह्यूमंस। आप एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें सामने की ओर है, सिर में सामने की ओर है, जिस तरह से मनुष्यों का होता है। तो ऐसा पक्षी है आउल, उल्लू की आंखें जो है वो सामने की ओर होती है। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ है। तो ऐसे पक्षी हैं जैसे पिजन्स है, क्रोज है, स्पैरोज है, ईगल्स है इत्यादि। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनकी आँखों का क्या साइज़ है उनके सिर के तुलना में? तो उनके आँखों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है उनके सिर के तुलना में। Most of the birds have their eyes on either side of the head. ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो है वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। Their eyes can focus on two different things at a time. एक ही समय पे जिन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है वो एक ही समय पे वो दो चीज़ों पे वो फोकस कर सकते हैं। When they
लुक स्ट्रेट अहीड, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब वो सीधा देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने ऐसा देखा होगा कि जो पक्षी हैं अपने सिर को अक्सर हिलाते रहते हैं। डू यू नो वाई? इन द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। ज़्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों में उनकी आँखें जो है, उनकी आँखों की जो पुतली होती है वो एक जगह पे फिक्स्ड होती हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसीलिए अब क्या है कि उनकी आँखों की पुतली मूव नहीं करती है, तो इसलिए उनको चारों तरफ देखने के लिए उन्हें अपना सिर भी हिलाना पड़ता है। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। अब एक आंख से देखने से क्या होता है और एक आंख और दोनों आंख से देखने में क्या अंतर है, अब ये हम यहां देखेंगे। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन इन ब्रैकेट वेव हैंड शेक हेड एटसेट्रा। अभी आप क्या कीजिए कि आप अपनी दाहिनी आँख को बंद कर लीजिए या फिर आप अपने हाथ से कवर कर लीजिए। आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो राइट साइड में थोड़ी दूरी पे वो खड़े हो जाए और कुछ एक्शन करे, जैसे कि हाथ को हिलाए, अपने सिर को हिलाए, और उसके बाद आप बताइए कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। तो क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को बिना गर्दन हिलाए आप देख पाएंगे? तो नहीं, आप अपने फ्रेंड के एक्शन को बिना गर्दन हिलाए नहीं देख पाएंगे। आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब आप अपने friend के action को दोनों आँखों से खोल करके देखिए बिना गर्दन को हिलाए। What was the difference? What was the difference on looking with one or both eyes? अब आप बताइए कि क्या अंतर था जब आप एक आंख से देख रहे थे और उसके बाद जब आप दोनों आंखों से देखे तो उसमें क्या अंतर था? तो जब आप दोनों आंखों से देख रहे थे तो आप वाइडर एरिया को कवर कर रहे थे, आपका आई साइट जो है वो वाइडर एरिया को कवर कर रहा था, इसलिए आप अपने दोस्त के एक्शन को बिना गर्दन हिलाए देख लिए। लेकिन जब आप एक आंख से देख रहे थे तो आपका आई साइट वाइडर एरिया को कवर नहीं कर पा रहा था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई कैन सी अ वाइडर एरिया विथ बोथ आईज एज कंपेयर टू विथ वन आई। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आईज ओपन। मैं दोनों खुली आंखों से ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सका। अब उसके बाद है, Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब आप क्या कीजिए कि आप एक छोटा सा एक बॉल ले लीजिए या फिर एक छोटा सा सिक्का ले लीजिए, उसको ऊपर उछाल करके उसको कैच करने का प्रयास कीजिए। पहले आप दोनों खुली आँखों से उसे कैच करने का प्रयास कीजिए, फिर एक आँख बंद करके उसे कैच करने का प्रयास कीजिए। तो आपको
कब कैच करना आसान लगा, एक आंख से, एक खुली आंख से, या फिर दोनों खुली आंख से? तो इसका आंसर होगा इफ देयर वर आईज ऑन द साइड्स ऑफ, सॉरी, तो आप पाएंगे कि दोनों आंखों से कैच करना आपको ज्यादा आसान लगेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अब आप इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए कि अगर आपकी आंखें वहां होती जहां आपके कान हैं, व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो आप ऐसा क्या कर पाते जो आप अभी नहीं कर पाते हैं अगर आपकी आंखें दोनों कान के तरफ होती, सामने की ओर नहीं होती? तो आप अभी क्या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो आप जब आपकी आंखें दोनों कान की तरफ होगी तो आप कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा कि आप दोनों तरफ में एक साथ दो चीजों पे आप फोकस कर पाएंगे बिना गर्दन को हिलाए। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जैसे काइट्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, वो हमसे चार गुना ज्यादा देख सकते हैं। ये आगे है, खैर पहले हम इसको देख लें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इफ देयर वर आईज ऑन द साइड्स ऑफ माय हेड आई कुड सी ऑन माय लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माय नेक। बिना गर्दन हिलाए हम दाहिने और बाएं तरफ दोनों तरफ देख सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो हमसे चार गुना ज़्यादा देख सकते हैं। हम जितना दूर देख पाते हैं उसे चार गुना ज़्यादा वो देख लेते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 meters व्हाट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 meters। ये जो पक्षी हैं जैसे काइट्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, ये चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम 2 meter की दूरी से देखते हैं वे उन चीज़ों को 8 meter की दूरी से देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड। क्या आप बता सकते हैं कि अब मतलब कि ईगल जो आप खा रहे थे प्लेग्राउंड में और आपकी रोटी छीन के लेके चली गई, तो वो कितने दूरी से आपको देखा होगा? तो उसने आपको लगभग 1.5 या 2 kilometers से देखा होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 2 kilometers, 1.5 या 2 kilometers की दूरी से। अब इसके बाद है डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या जानवर कलर्स को देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जानवर उतने कलर्स, उतने रंगों को नहीं देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाई सम एनिमल्स। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और कुछ जानवरों के साथ। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में देख पाते हैं वो कुछ कलर्स को देख लेते हैं, लेकिन जो जानवर रात को जगते हैं, जो जानवर रात को देखते हैं वो चीजों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में देखते हैं।
शार्पियर, शार्पियर वो जिस कान की सुनने की शक्ति काफी अच्छी होती है, जो बारीक से बारीक साउंड को भी सुन लेता है। इन इन क्लास फोर यू रेड दैट वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर अ स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। क्लास फोर में जैसा कि आपने पढ़ा है कि पक्षियों के जो कान होते हैं वो आसानी से नहीं दिखते, क्योंकि उनके कान छोटे छेद की तरह होते हैं, छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, 10 ऐसे जानवरों का नाम बताइए जिनके कान आप देख सकते हैं। तो 10 ऐसे जानवर है, डॉग, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, जेबरा, जीराफ एंड माउस। उसके बाद द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, और उन ऐसे कुछ पशुओं के नाम बताइए जिनके कान हमारे कान से बड़े हैं। तो ऐसे पशु हैं जैसे एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग इत्यादि। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग एटसेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन आवर ईयर्स। थिंक, सोचिए, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। मतलब जानवरों के कान का साइज और उनकी सुनने की क्षमता में कोई कनेक्शन है क्या, कोई लिंक है क्या? तो जानवरों की जिन जानवरों की के कान बड़े होते हैं उनको उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। देयर इज पॉसिबली ए लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। एनिमल्स विथ बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विथ स्मॉलर ईयर्स। ट्राई दिस, अभी ये देखिए, ये कनेक्शन है, आप ध्यान से सोचिएगा। ये जो है ट्राई करने के लिए हमें यहाँ कहा जा रहा है, ये कान बड़ा होने का, हम जो कान के पीछे रख के सुनते हैं, तो कान के पीछे अगर हम कुछ रख के आवाज़ सुनते हैं तो चीज़ें ज़्यादा शार्प सुनाई देती हैं। तो यही लॉजिक वहाँ जानवरों के पास भी अप्लाई होता है, जिनके कान बड़े होते हैं उन्हें चीज़ें शार्प सुनाई देती हैं। ट्राई दिस, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। आप इस एक्टिविटी के लिए आप अपने स्कूल में एक शांत जगह ढूंढ लीजिए जहाँ आवाज़ें नहीं है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड, अब आप अपने दोस्तों में से एक दोस्त को कहिए खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए थोड़ी दूरी पे, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। थोड़ी दूरी पे अपने फ्रेंड को खड़े होने के लिए बोलिए और कुछ आहिस्ते उसे बोलने के लिए कहिए। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, उसके बाद आप सभी जो है कान को अपने पीछे रख लीजिए, कान के पीछे अपने हाथ रख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये बच्ची जो कान के पीछे अपने हाथ रखी है। एज शोन इन द पिक्चर, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। अब उसी बच्चे को फिर से बोलिए जैसा वो पहले बोला था, जितना सॉफ्टली वो पहले बोला था जब आपके कान के पीछे हाथ नहीं था, उतना ही सॉफ्टली अभी बोलने के लिए बोलिए। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, किस केस में साउंड जो है ज़्यादा शार्प था, मतलब किस केस में आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा था। तो आस्क योर फ्रेंड्स टू, और ऐसा आप अपने दोस्तों से भी पूछिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप अपने कान के पीछे रखे हाथ तो आवाज़ ज़्यादा शार्प सुनाई दे रहा था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स द साउंड वॉज शार्पर। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग,
कैन यू हियर योर ओन वॉयस, आप अपने हाथों को अपने कान के पीछे रखिए, कान के ऊपर रखिए, सॉरी कान के पीछे नहीं, यहाँ पे कान के ऊपर रखना है, इधर कान के पीछे है, यहाँ कान के ऊपर रखना है. एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉयस, कान को ढक के, कान को बंद करके दोन जो है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, और आप उसके बाद बोलिए, क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस आई कैन हियर माई ओन वॉयस. सिट नियर ए डेस्क, अब आप एक डेस्क के बगल में बैठिए. टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, अब डेस्क को एक बार बजाइए. लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, हाँ बैठ करके जो है डेस्क को एक बार बजाइए. नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? पहले क्या कीजिए, ऐसे बैठ करके आप डेस्क को बजाइए, फिर कान को जैसे यहाँ पे बगल में यहाँ पे फिगर में ये कान को डेस्क पे ये बच्चा रखा है, वैसे रख के आप उसके बाद डेस्क को एक बार बजाइए अपने हाथ से. उसके बाद आप चेक कीजिए कि डिफरेंस में क्या आवाज़ था, आवाज़ में क्या डिफरेंस था. तो आप पाएंगे कि जब आप डेस्क पे कान को रखे थे तो आवाज़ ज़्यादा शार्प था, आवाज़ ज़्यादा क्लियर एंड लाउड था. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन आई पुट माय ईयर ऑन द डेस्क आई कुड हियर शार्पर साउंड. दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स which you can see, they only feel the vibrations on the ground. सांप इसी तरीके से सुनते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, उनके कोई बाहरी कान नहीं होते हैं, वे स्पंदनों को महसूस करते हैं, vibrations को feel करते हैं, हाँ जमीन पे vibration को, स्पंदन को वो feel करते हैं, उनके कान नहीं होते हैं सांप के. ये अगला चैप्टर में इसका यूज आएगा. अब इसके बाद है साउंड्स सेंड मैसेजेस. अभी क्या है कि जानवर जो हैं आवाज बना बना करके, आवाज तैयार करके वो दूसरे जानवरों को आवाज के जरिए वो मैसेजेस पहुंचाते हैं. हाई अपॉन ए ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लियोपर्ड. अभी क्या है कि ऊंचे पेड़ के ऊपर से लंगूर जो है अपने दूसरे दोस्तों को वार्न कर देता है. शेर का अगर खतरा है, शेर या चीते का, बाघ या चीते का अगर खतरा है तो वो आगाह कर देता है. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल. अब लंगूर ऐसा कैसे करता है, वो कैसे अपने दोस्तों को सावधान करता है, तो वो स्पेशल वार्निंग कॉल, सावधानी का एक कॉल, मतलब कि आवाज़ तैयार करता है, ऐसा वार्निंग कॉल बना करके वो उसी साउंड में वो बोलता है जिससे कि उसके दूसरे दोस्त समझ जाते हैं. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. पक्षी भी अलार्म कॉल्स देते हैं किसी खतरे को, किसी खतरे से आगाह कराने के लिए. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स. कुछ पक्षी के पास अलग अलग आवाज़ें वो निकालते हैं, अलग अलग खतरों के हिसाब से अलग अलग आवाज़ें वो निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. अभी क्या है कि इन पक्षियों के अलग अलग वार्निंग कॉल होते हैं. अगर दुश्मन आकाश से आ रहा है तो इनका वार्निंग कॉल अलग होता है, अगर पक्षी ज़मीन से आ रहा है तो उनका वार्निंग कॉल अलग होता है. वाई एनी एनिमल गिव्स द वार्निंग कॉल ऑल द एनिमल्स, सॉरी
When any animal gives the warning call, all the animals in that area understand the danger signal. अभी क्या है कि कोई जानवर जो है अगर कुछ वार्निंग कॉल देता है तो जितने भी जानवर हैं उस इलाके में उस एरिया में वो खतरा के सिग्नल को वो समझ जाते हैं. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. अभी क्या है कि जब कोई भूकंप आने वाला होता है, कोई आंधी तूफान आने वाला होता है, तो कुछ जानवर जो होते हैं उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है. कुछ जानवर वो अलग तरीके से वो बिहेव करने लगते हैं. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट्स एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर. जो लोग जंगलों में रहते हैं वो जानवरों के इस बिहेवियर को वो समझ जाते हैं और आने वाले खतरे को वो पहले से भांप लेते हैं. अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है. इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन फॉरेस्ट्स ऑफ द एंडमन आइलैंड्स नोटिस्ड द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. दे गेस्ट सम डेंजर सो दे मूव्ड अवे टू ए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. सून आफ्टर द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड. ये दिसंबर 2004 की बात है. कुछ ट्राइब्स, कुछ आदिवासी जो जंगलों में रहते थे अंडमान के जंगलों में, उन्होंने जानवरों के बर्ताव में कुछ अंतर महसूस किया तो उन्होंने गेस किया कि कुछ खतरा है. अब खतरा गेस करने के बाद वे सेफर प्लेस में वो अपने आप को उन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया. कुछ देर के बाद वहाँ पे सुनामी आ गया. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. डॉल्फिन्स भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं अपने दोस्तों को मैसेजेस देने के लिए, एक दूसरे को मैसेजेस देने के लिए. साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका खुद का खास विशेष भाषा, जिनका अपना खुद का एक विशेष भाषा होता है. राइट. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स. विच एनिमल्स, क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ों को पहचान सकते हैं? कौन से जानवरों की आवाज़ों को आप पहचान सकते हैं? तो आप बिल्कुल, आप जैसे कुत्ते, बिल्ली, हाँ, गाय, घोड़ा, इन सभी की आवाज़ों को आप, इन सभी को आप आवाज़ों से पहचान लेते हैं, इनके आवाज़ों को आप पहचानते हैं. तो इसका आंसर होगा येस, आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स. आई कैन ईजिली टेल द साउंड ऑफ डॉग, कैट, काउ, हॉर्स एट्सेट्रा. सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. विच वन वंस, कुछ जानवर जो है आपकी भाषा को समझते हैं. कौन से जानवर आपकी भाषा को समझते हैं? तो यस, इसका आंसर होगा यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, पैरट एट्सेट्रा अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. आप देखते हैं आपके घरों में भी होंगे कुछ, जैसे कि कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग गाय पालते हैं, कुछ गांव में किसान बैल पालते हैं, कुछ लोग तोता पालते हैं. तो ये सभी डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं और ये लोग, ये सभी जानवर जो है हमारी भाषा को समझते हैं. ये हमारे कमांड के ऊपर, ये अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो ये हम जैसा कमांड करेंगे वे उस हिसाब से ये बिहेव करेंगे. से इट विथ साउंड्स. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस. अभी जैसे जानवर जो अलग अलग आवाज़ें वो तैयार करते हैं मैसेज
देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, खतरे का संदेश, कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए वो अलग अलग आवाज़ें तैयार करते हैं, वैसे आप भी उस तरह से आवाज़ें तैयार करके आप मैसेजेस को एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, आप मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये मतलब कि आप एक भाषा आप तैयार कर सकते हैं साउंड्स के माध्यम से। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। आप ऐसा करके देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ केवल साउंड्स के जरिए बात कीजिए, आप कुछ बोलिए नहीं, बात मत कीजिए, कोई वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए, किसी तरह का साउंड क्रिएट कीजिए और साउंड के जरिए बात करके देखिए। उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, अभी जैसे कि टीचर अगर क्लासरूम से आगे हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, आपको कब और किस परिस्थिति में अलार्म कॉल देने की परिस्थिति मतलब कि आएगी कि आप अलार्म कॉल देंगे। ऐसा कभी कदाल जनरल लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप अलार्म कॉल देते हैं, जैसे अगर कोई खड़ा है और पीछे से कुछ चीज़ आ रहा है, कोई जानवर दौड़ते हुए आ रहा है, तो सामने खड़े हुए आदमी को पता नहीं है तो आप ज़ोर से एक अलार्म कॉल देते हैं और वो आदमी सावधान हो जाता है और हट जाता है। इस तरह से आप क्लास में भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं तो हु हु या हु इस तरह का साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अलार्म कॉल दे सकते हैं कि आप बदमाशी करना बंद कर दो, अभी टीचर आ रहे हैं। स्लीपिंग वेकिंग, अब यहाँ पे है जानवरों का सोना और जगने से मतलब है यहाँ पे। सम एनिमल्स गो इन टू ए लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? कुछ जानवर जो है काफ़ी लंबी अवधि के लिए वो एकदम गहराई डीप नींद में चले जाते हैं, स्लीप में चले जाते हैं, उसको हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। हाँ, कुछ खास सीजन में कुछ जानवर एकदम लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर क्या है, जब वो लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं तो कई महीनों तक वो दिखते ही नहीं हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। आपने नोटिस किया होगा, आप ध्यान देना कि आपके घर पे जो जाड़े के महीने में आपके घर में आपको छिपकली नहीं दिखेगी। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, आपको क्या लगता है वो कहाँ चली जाती हैं? एक्चुअली क्या है, अपने आप को वो ठंड से बचाने के लिए किसी गर्म जगह पे वो चली जाती हैं, और जब उनके अनुकूल वातावरण होता है तब वो फिर आती हैं। तो इसका आंसर होगा येस, आई हैव नोटिस दैट लिजर्ड्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, आई थिंक दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप द कोल्ड, कहीं पे मुझे लगता है कि वो छुप जाती हैं ताकि वो अपने आप को जाड़े से बचा सके। दे माइट हैव टू moved to some warmed place, उन्हें जाड़ों में किसी गर्म जगह पे जाना होता होगा। स्लॉथ, ये स्लॉथ है, इट लुक्स लाइक ए बियर बट इज नॉट, ये बियर की तरह दिखता है, भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। इट इज़ ए स्लॉथ, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। ये लगभग दिन के 17 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक के मजे से झूलते हुए ये सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सम ट्रीज ऑन विच इट लीव्स, ये जो स्लॉथ है ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते ये खा के जीता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, बहुत मुश्किल से इसको कुछ किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता पड़ती है।
When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. जब ये एक पेड़ के मतलब काफ़ी पत्ते ये खा लेता है, पर्याप्त पत्ते खा लेता है, तो ये फिर उसके बाद दूसरे पेड़ पे चले जाता है. स्लॉथ्स लगभग 40 साल जीते हैं और हाँ, ये 40 साल की अवधि में ये केवल 8 पेड़ों पे एक या 8 पेड़ों पे ये जाते हैं. एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो ये जाते हैं, ये केवल 8 पेड़ ही जाते हैं पूरे जीवन काल में. वंस ए वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट्सेल्फ, और थोड़ा मतलब सप्ताह में एक बार जो है ये अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये पेड़ से नीचे ये सप्ताह में एक बार आता है. रिलीव, जैसे हम छुट्टियों पे एक दिन के लिए जाते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, वैसे ही ये सप्ताह में एक बार ये दिन में पेड़ से नीचे आता है. अब उसके बाद है टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक. अब कितना देर स्लॉथ जो है जगता है, तो यहाँ पे ये 24 आवर्स का ये क्लॉक बनाया हुआ है, जिसमें हाफ जो है ये 12 आवर्स है और बाकी का आधा जो है 12 आवर्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पार्ट्स में है. 6 पार्ट्स में एक पार्ट 2 आवर्स का है. तो यहाँ पे जो स्लॉथ का जो स्लीपिंग ये स्लीपिंग आवर्स है, ये ग्रे पार्ट है, तो ये 18 घंटे सोता है और 6 घंटे ये जगता है. ये छिपकली. इफ़ यू वर टू शो ए स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन ए 24 आवर क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक. ये क्लॉक अगर आप एक 24 घंटे के घड़ी में आप स्लॉथ का जगना सोना आप देखेंगे कि कितने देर वो सोता है, कितने देर वो जगता है, तो ऐसा घड़ी दिखेगा. हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर ए हाउस लिजर्ड इन विंटर्स. जाड़ों में आप हाउस लिजर्ड का क्लॉक कैसे दिखाएंगे? तो उसका पूरा डार्क रहेगा जाड़ों में, क्योंकि जाड़े में तो वो पूरा 24 घंटा सोया ही रहता है. गिवन हेयर इन द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स बिलो एंड सम एनिमल्स बिलो ईच पिक्चर राइट फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स. यहाँ पे पिक्चर के साथ यहाँ पे स्लीपिंग आवर्स दिया हुआ है घड़ी में. अब आप पिक्चर के नीचे जो है आप इनका स्लीपिंग आवर्स बताइए. तो ये गाय का स्लीपिंग आवर्स 2 to 4 आवर्स हुआ. पाइथन जो है ये 18 घंटा सोता है. पाइथन का स्लीपिंग आवर्स 18 आवर्स है. जिराफ केवल 2 घंटे सोता है. बिल्ली 12 घंटे सोती है. काऊ का 4 आवर्स, पाइथन का 18 आवर्स, जिराफ का 2 आवर्स, बिल्ली का 12 आवर्स. व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस. जब आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जानवरों को देखते हैं, तो क्या आपके मन में प्रश्न उठते हैं? आपके मन में किस तरह के प्रश्न उठते हैं? इस तरह के 10 प्रश्नों के लिस्ट बनाइए. तो इसका आंसर होगा हाँ, जब मैं जानवरों को देखता हूँ तो मेरे अंदर में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं. और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे, क्या वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं? क्या वे एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं? क्या वे कलर्स को, रंगों को देख सकते हैं? क्या वे रात को देख सकते हैं? क्या वे खतरे को सेंस कर लेते हैं? कैसे वो खतरे को सेंस करते हैं? कैसे वो जानते हैं कि कोई वस्तु उनके लिए भोजन के रूप में है?
कैसे वो जानते हैं कि उनके परिवार का, कैसे उन्हें पता चल जाता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य जख्मी है? क्यों कुछ ही जानवर को पालतू बनाया जा सकता है, सारे जानवरों को? जैसे शेर बाघ को पालतू बनाना आसान नहीं होता है, कुत्ते बिल्ली को पालतू बनाना आसान होता है। तो इस तरह के 10 क्वेश्चंस जो है आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, येस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मेनी क्वेश्चंस कम टू माई माइंड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कैन दे टॉक विथ ईच अदर? कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? कैन दे सी कलर्स? हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट? वे रात को कैसे देखते हैं? हाउ डू दे सेंस डेंजर? वे खतरे को कैसे महसूस करते हैं? हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम? कैसे वो जानते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई चीज़ जो है उनके लिए भोजन है? हाउ डू दे फील व्हेन ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट्स इंजर्ड? उन्हें कैसे पता चलता है जब उनके परिवार का कोई सदस्य जख्मी हो जाता है? वो कैसे महसूस कर लेते हैं कि उनके परिवार का सदस्य जब कोई जख्मी हो जाता है? Why only some of them can be made pet animals? केवल सारे जानवरों में कुछ ही जानवरों को क्यों पालतू बनाया जा सकता है, सारे जानवरों को हम पालतू क्यों नहीं बना सकते हैं? Wow, very interesting. A tiger can see 6 times better at night than most of us humans. मनुष्य की तुलना में बाघ रात में 6 गुना ज्यादा देख सकता है। 6 गुना ज्यादा साफ अच्छे तरीके से वो देख सकता है आदमी की तुलना में। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो बाघ की जो मूछें होती है वो काफ़ी संवेदनशील होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, और वो मूवमेंट को, किसी भी तरह का मूवमेंट या फिर किसी भी तरह का स्पंदन, संवेदना को वो तुरंत महसूस कर लेते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव। इनकी जो मूछें हैं इन्हें अंधेरे में चलने में मदद करती हैं, और अंधेरे में शिकार ढूंढने में भी इनकी मूछें काफ़ी मदद करती हैं। अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। एक बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो पत्तों के हिलने की आवाज़ और अगर कोई जानवर घास पे चल रहा है तो उसके बीच का वो डिफरेंस वो समझ जाता है। द ears ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट directions एंड दिस helps टू कैच द sounds फ्रॉम ऑल अराउंड। एक बाघ का जो कान होता है वो हर डायरेक्शन में, वो अलग अलग डायरेक्शन में वो अपने कान को घुमा लेता है, इसलिए हर चारों तरफ के आवाज़ उसके कान में आ जाते हैं। टाइगर्स हैव डिफरेंट साउंड्स। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू ए टाइगरेस, है ना। बाघ जो है अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग कारणों से। जैसे जब वो गुस्से में है तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं, जब वो अपनी फीमेल टाइगरेस को खोज को उन्हें बुलाना होता है तो वो अलग आवाज़ निकालते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल। ये दहाड़ भी सकते हैं, गुर्राते भी हैं। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। इनकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर बाघ का अपना क्षेत्र होता है, अपना इलाका होता है। जो कि उनका इलाका काफ़ी किलोमीटर्स की दूरी में वो फैला होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। अपने मूत्र से वो
अपने एरिया को मार्क कर देते हैं. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. मूत्र के गंध से वो तुरंत पहचान जाता है, तुरंत ये जान लेता है कि कोई दूसरा टाइगर उसके इलाके में है या नहीं, थोड़ा बहुत कुत्ते की तरह. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया. एक बाघ दूसरे बाघ के क्षेत्र में जाने से अपने आप को रोकता है, अपने आप को बचाता है, वो अवॉइड करता है. द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. बाघ जो है बहुत सारे अलर्ट जानवरों में से एक अलर्ट जानवर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना अलर्ट होता है, इतना ये जागरूक होता है जानवर, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफ़ी खतरे में है. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल. तो आपको क्या लगता है बाघों के ऊपर कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जंगलों में? तो शिकारी एक सबसे बड़े खतरा है, वो जानवरों को उनके चमड़े के लिए बेच मार देते हैं. जंगल में शेर भी बाघों के ऊपर खतरा होता है, क्योंकि शेर बाघों से ज़्यादा पावरफुल होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई भी बाघों के लिए खतरे का कारण है. तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर टाइगर. दे किल टाइगर्स फॉर स्किन लायन फॉर स्किन. तो ये जो शिकारी हैं ये सबसे बड़ा खतरा है बाघों के लिए जंगल में. ये टाइगर्स को मार देते हैं उनके चमड़े के लिए. लायन इज़ मोर पावरफुल देन टाइगर. शेर जो होता है बाघ से ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड कैन बी डेंजर, और ख़तरा हो सकता है बाघों के लिए. लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अनदर डेंजर फॉर टाइगर. बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई भी एक दूसरा खतरा है ये जो बाघों के लिए. फिर फॉरेस्ट फायर भी अगर लग जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, तो भी बाघों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है. कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या मनुष्य भी जानवरों के लिए खतरा हो सकते हैं? कैसे? मनुष्य सबसे बड़ा खतरा है जानवरों के लिए. मैं आपको बताता हूँ कैसे. क्योंकि जानवर जो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका शिकार करते हैं उनके खाल के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए. जैसे हाथियों का शिकार उनके जो बाहर में जो टस्क जो हैं, जो बड़े वाले जो दांत रहते हैं वाइट कलर का, उनके लिए हाथियों का शिकार होता है. राइनोस का शिकार किया जाता है उनके हॉर्न्स के लिए. सांपों का शिकार किया जाता है, मगरमच्छों का शिकार किया जाता है उनके चमड़े के लिए. लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ने की वजह से जंगलों की कटाई हो रही है. जंगलों की कटाई होने की वजह से भी जानवरों का जो हैबिटेट है उनके उसके ऊपर असर हो रहा है, उनका रहने का जगह कम पड़ रहा है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स, उनके जो सींग होते हैं, सींग के लिए उनको मारा जाता है. स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन. इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. दिस हैज़ रिड्यूस्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो रहने के लिए लोग की आबादी बढ़ रही है तो कारखाने खोलते हैं, रहने के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मोहल्ले बनाते हैं, तो इसके लिए जंगलों की कटाई होती है. और इससे क्या होता है कि उनका जो प्राकृतिक जानवरों का जो निवास स्थान है उसमें वो घटते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है.
यहाँ पे भी बुक में भी ये आंसर सेम आंसर डिस्कस किया हुआ है, सेम चीज़ बताया हुआ है. डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. बहुत सारे जानवर को मारा जाता है, उनके पार्ट्स को बेचा जाता है. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, राइनोसेरस फॉर देयर फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स. मस्क डियर, ये मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. मस्क डियर को मारा जाता है उसके मस्क से सेंट बनाने के लिए. पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स. जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें हम शिकारी कहते हैं. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. बाघों की और कुछ जानवरों की संख्या जो है हमारे देश में वो काफ़ी तेजी से घट रही है और खतरा है कि कुछ जानवर विलुप्त ना हो जाएं. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. अब ये बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने कुछ जंगलों को बनाया है as a protected areas. सुरक्षित क्षेत्र जानवरों के लिए. सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना. कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. और ये घाना किधर है तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल. इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में कोई भी हंटर जानवरों का शिकार नहीं कर सकता है, यहाँ पे कानूनन जुर्म है. फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में और दूसरे कौन से नेशनल पार्क्स हैं, तो इंडिया में और दूसरे नेशनल पार्क्स हैं, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट. तो अब आप रिपोर्ट इसका कैसे तैयार करेंगे, आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आप पाएंगे कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो जानवरों और प्लांट्स को बचाने के लिए होते हैं, है ना, और हमारे वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे वातावरण को बचाने के लिए इन जानवरों का और प्लांट्स का सुरक्षित रहना जरूरी है. कुछ जानवरों को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जंगलों में, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन वो राइनोस को दिया जाता है, हाँ, जो कि बहुत रेयर स्पेसीज हो गया है पूरे वर्ल्ड में. ठीक उसी तरह से गिर नेशनल पार्क, वहाँ पे लायंस को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है. तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. सम एनिमल्स गेट ए स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क्स. फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क gives special protection to rhinos which are very rare species in the world. Similarly, Gir National Park gives special protection to lions. What we have learned, हमने क्या पढ़ा? Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि जब गायक गाना गाते हैं तो अपने हाथ को कान पर रख देते हैं? वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? तो हाँ, हमने नोटिस किया है, वो गाते समय अपने हाथ को कान पर रख देते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नॉइज़ को वो कम कर सके, उनके कान में नॉइज़ कम आए, और वो ऐसा अपने वॉइस को क्लियरली सुनने के लिए भी वो ऐसा करते हैं. वो कान को हम डेस्क पे रख के अगर हम डेस्क को बजाते हैं तो कैसे हमें ज़्यादा शार्पर सुनाई देता है, वही लॉजिक यहाँ भी काम करता है.
तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यस आई हैव नोटिस्ड सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग, दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज, दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉयस मोर क्लियरली। अब इसके बाद ये है, आपको पेपर से बनाना है। लेसन खत्म हो गया, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ साइट हियरिंग और स्मेल। आप कुछ ऐसे जानवरों का उदाहरण दीजिए जिनके पास काफ़ी मजबूत देखने की शक्ति है, सुनने की क्षमता है या फिर सूंघने की क्षमता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, सम एग्जाम्पल्स जैसे पुलिस डॉग, वो एक्सप्लोजिव्स को स्मेल कर सकता है जो कि मनुष्य नहीं कर पाएगा, मनुष्य डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ईगल काफ़ी किलोमीटर दूर से वो अपने छोटे से छोटे शिकार को देख लेती है, देख लेता है। डॉग एकदम बारीक से बारीक आवाज़ को सुन लेता है। मॉस्किटो आपके बॉडी के स्मेल से आपको ढूंढ लेती है। कुछ जानवर अलग तरीके से उनका बिहेवियर होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाला होता है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, अ पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव्स व्हिच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एन एनिमल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई, सॉरी एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई, अ डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप्स, अ मॉस्क्यूटो कैन फाइंड ए ह्यूमन बींग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑडियोर, सम एनिमल्स बिहेव इन ए स्ट्रेंज मैनर इन केस ऑफ ए नेचुरल कैलामिटी विच इज अबाउट टू हैपन। तो लेसन खत्म हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक अलग से एक बार रिपीट करके बताऊंगा।